गाइस फाइनली मैं चला रहा हूँ द ब्रांड न्यू 2024 होंडा हाइनस CB350 डीलक्स प्रो वेरिएंट। दैट्स राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको भर भर के एक्सेसरीज लगाई हुई है। आई थिंक ये यूट्यूब पे पहला वीडियो है जहाँ पे ये फुल्ली एक्सेसराइज्ड CB350 मैं दिखाने वाला हूँ। क्या क्या एक्सेसरीज लगी है वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताता रहूँगा, बिकॉज फिलहाल जो मेरे पास ये बाइक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आई है, इसलिए मैंने डायरेक्टली मोटो व्लॉग आज शुरू किया हुआ है। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2,14,800 अप टू 2,17,800 एक्स शोरूम मुंबई। ये जो प्राइस मैंने बताई है वो डीलक्स एंड डीलक्स प्रो की है, ठीक है। और आप सब लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे आपको वो ये बाइक को देखकर आई एम श्योर आपको वो क्लासिक 350 की याद आ रही होगी रॉयल एनफील्ड की, बिकॉज कलर जो है काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। और बाइक चलाने में कैसी है, क्या क्या है वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताता रहूँगा। पर फिलहाल अगर मैं लुक एंड फिनिश की बात करूँ ना तो ये क्रोम एलिमेंट्स वगैरह जो दिया हुआ है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा कड़क दिखता है, काफ़ी ज़्यादा कड़क और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये मोटरसाइकिल। जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, एक चीज़ तो मुझे काफ़ी पसंद आई, वो था इसका इंजन रिफाइनमेंट। क्या इंजन रिफाइनमेंट है, पर वो जो है ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलो सिग्नल खुल चुका है। अच्छा हॉर्न उल्टा है, ओके। ओके सर, सबसे पहले बात करेंगे मोटरसाइकिल के कंफर्ट को लेकर। भाई अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ ना, अगर मुझे एक सेंटेंस में जवाब देना है ना, तो आप इस पर आराम से दिन के 250 से लेकर 300 किलोमीटर मार सकते हो विदाउट एनी फटिक, विदाउट थके हुए। इतना ज़्यादा आपको इस मोटरसाइकिल में कंफर्ट मिल जाता है। दूसरी बात, इसकी जो सीट्स है काफ़ी ज़्यादा वाइड है, सो पिलियन एज वेल एज राइडर जो है बहुत ही आसानी से दो जन इस पर कम्यूट कर सकते हैं विथ लगेज। इसमें पीछे लगेज रैक भी लगा हुआ है, तो मैं आपको आगे जाके दिखा रहा हूँ। मैं आपको ना एक पूरा एक्सेसरीज का इसका वॉक अराउंड दूंगा थोड़ा आगे बाइक रोके, बिकॉज यहाँ पर ट्रैफिक में हाईवे पर हूँ इस बार। तो इट इज़ 10/10 15.2 लीटर्स की यहाँ पे आपको टैंक मिलती है, जिसमें से आपको ऑलमोस्ट 30 की माइलेज मिल जाएगी। 2.8 या 2 लीटर का कुछ तो इसका ये है रिजर्व है, बाकी 30 की माइलेज मिल जाएगी। पूरी की पूरी मेटल टैंक मिलती है, और अब ये प्रीमियमनेस देखे यार, ये होंडा की बैजिंग भी आपको 3D में मिलती है, काफ़ी ज़्यादा कड़क यार। इसको राइट में जाना है क्या, क्या कर रहा है। एनीवेज, और फुटपैक्स की जो पोजीशनिंग है वो फ्रंट में है। हैंडल बार्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा वाइड और काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है यार, मतलब मैं ना एकदम ही अपराइट पोजीशन में बैठा हुआ हूँ, हल्का भी झुका हुआ नहीं हूँ, मैं एकदम ही अपराइट सिंगम पोजीशन में बैठा हुआ हूँ। तो भाई डेफिनेटली फील के मामले में तो 10/10 है। होंडा ने जो है काफ़ी बढ़िया सा काम यहाँ पर किया हुआ है। एंड इस मोटरसाइकिल में आपको चारों बाजू LED लाइट्स मिलती है, तो वो भी आपको प्रीमियम मिल जाता है यहाँ पे। दूसरी बात, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा वाइजर लगाया हुआ है, जो मुझे विंड से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसको लगाने का जो तरीका है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लासी है यार, काफ़ी ज़्यादा कड़क। मिरर्स जो अच्छा खासा मुझे व्यू दे रहा है, आपको गोल शेप में मिरर्स मिलते हैं, गोल शेप में आपको इसमें डिजिटल मीटर भी मिलता है, डिजिटल एंड छोटा सा एक एनालॉग, अरे एनालॉग एंड छोटा सा डिजिटल मीटर मिल जाता है यार। ब्यूटीफुल यार, जिस बाइक है ब्यूटीफुल, बैठते ही ना आपको मज़ा आ जाता है, ऐसा लगता है कि यार हर एक पैसा वसूल है इस मोटरसाइकिल का। और अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल के इंजन पे। भाई ये जो 350 सीसी का इंजन है आउटपुट करता है 20 PS ऑफ पावर एंड 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, मतलब पावर एंड टॉर्क ऑन डिमांड यहाँ पे आपको मिलता है। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार बाइक लैग कर रही है या कुछ और कर रहा है, मतलब क्या पुल करती है मोटरसाइकिल, मज़ा आ जाता है यार, मज़ा आ जाता है। और रिफाइनमेंट भाई होंडा है तो रिफाइनमेंट लेवल्स आपको काफ़ी बढ़िया से मिलते हैं, ना कि बराबर आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं, बट फिर भी हल्के फुलके से आपको हैंडल बार्स पे और टैंकी के और फुटपैक्स यहाँ पे वो जो नॉर्मल जो बाइक में लगते हैं वही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। बट फील जो है बाइक की फील भाई टॉप नॉच है, काफ़ी ज़्यादा कड़क यार। और बाइक क्या ग्लाइड करती है यार, मतलब बाइक के वजन की वजह से ना बाइक रोड को छोड़ती नहीं है और हिलडुल नहीं करती है विंड ब्लास्ट के वजह से, तो मुझे वो चीज़ एक अच्छी लगी इस मोटरसाइकिल के बारे में। बहुत अच्छा फील है यार, बहुत अच्छा फील है। हॉर्न भी लाउड है, ठीक है। तो ये है इसका इंजन, और यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिल जाता है, साथ ही में आपको ना यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है जिसको आप टर्न ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। क्लच इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, स्पाइस 5-speed की गियर बॉक्स मिलती है, 1 down 4 up, और इसमें आप जो पीछे भी किक मार के गियर चेंज कर सकते हो। ये देखिए, मतलब क्लच तो ना इतना लाइट है ना, मैं चाहूँ ना तो अपने ये तितली फिंगर क्या बोलते हैं इसको, छोटी फिंगर से भी इसको प्रेस कर सकता हूँ यार। और अब ये जो देख रहे हो ना वो फॉग लैंप्स के लिए, यहाँ पे इस पर फॉग लैंप्स भी लगे हुए हैं, तो इसके लिए ये स्विच दिया हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे क्या लगा है बड़े फॉग लैंप्स के लिए, और ये आगे LED लाइट्स का आप थ्रो देखिए, मज़ेदार
ठीक है, अगर मैं फॉग लैंप्स ऑन करता हूँ, आई एम नॉट श्योर कनेक्शन किया है कि नहीं, बट उसके लिए ही है। और भाई लोग मुड़ मुड़ के देखते, तो अटेंशन के लिए आप रेडी रहिएगा। और सस्पेंशन पे आ जाते भाई, इसमें ना आपको मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स, और पीछे आपको ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं। तो आई थिंक पीछे वाले जो है वो एडजस्टेबल है, ऐसा मैंने सुना है, तो होने तो चाहिए। और भाई दे आर ऑन द सॉफ्टर सेटिंग, हाँ, मतलब ऐसा लगेगा आपको झटका ना आपके बॉडी तक पहुँचता नहीं है, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई यार। इसको ना मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ कि बाइक को ऐसे ही चलाता रहो यार। थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज ऑन पॉइंट, ठीक है। तो सस्पेंशन ना सॉफ्ट इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी, झटके जो ये देखो ये बम वगैरह आता ना आपको फील भी नहीं होता। ये देखिए निकल गया हमें, और सीधा ऊपर आपको बाउंस बैक करती है। तो ये हो गया इसका सस्पेंशन। और आप हैंडल बार्स पे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको स्विचेस नज़र आ रहे होंगे। सो ये जो चार बटन है ना, उसके मीटर के लिए है। ये हॉर्न हो गया, ये साइड इंडिकेटर हो गया, ये टर्न सिग्नल हो गया, और ये हज़ार लाइट हो गया, ठीक है। तो बेसिक सा है। और एग्जॉस्ट नोट, शायद हाईवे पे आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाई ना दे, बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो बहुत ही सूदिंग साउंड है ट्रर वाला। और बाइक ग्रिप छोड़ती नहीं है, फ्रंट एंड बैक में आपको ड्यूल चैनल एबीएस तो मिलता ही है, बट आपको ट्यूबलेस टायर्स भी मिलते हैं विद ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स। और बाइक टायर जो है ना, काफ़ी मज़ेदार से ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपको दे देंगे, कॉन्फिडेंस। मेरी बैग उड़ रही है, चलो कोई बात नहीं, मैं आगे ले लेता हूँ। हाँ चलो, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया ऐसे इसको चला के। वाह यार, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। और हम सभी लोग जानते हैं कि भाई रॉयल एनफील्ड जो है काफ़ी बड़ा सा राइवल बन जाता है इसका, तो वो तो उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं कंक्लूजन में बताऊंगा कि मेरे को क्या फ़र्क लग रहा है। और हैंडलिंग पे आ जाते हैं भाई, इसको हैंडल करना इज़ वेरी इजी। इसको ना आप ग्लाइड ज़्यादा करोगे, हैंडल कम करोगे, ठीक है। मतलब क्या हैंडल होती है मोटरसाइकिल, क्या हैंडल, देखो ये ग्लाइड हो रही है। अगर आपको टर्न वगैरह लेना है तो उसके लिए आपको गाड़ी को रुका के वो जो अपन रेगुलरली करते हैं वो करना है। बाकी ग्लाइड के मामले में इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वजन जो है ना आपको, मुझे सरप्राइजिंगली नहीं लग रहा है जब मैं इसको ग्लाइड करवाता हूँ, बिकॉज यूजुअली लगता है जब आप ग्लाइड करते हो मोटरसाइकिल कैसी हैवी हो तो, बट इसमें वो वाली फील नहीं है। दे देगा आपको, मतलब पंच दे देगा आपको, कॉन्फिडेंस दे देगी बाइक। वाह यार वाह, इसको बोलते हैं बाइक यार। और प्राइस पॉइंट, जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार से प्राइस पॉइंट पे आती है ये मोटरसाइकिल, तो वो भी देखना पड़ेगा। मतलब वो भी एक प्लस पॉइंट है इस मोटरसाइकिल का, रॉयल एनफील्ड से सस्ती है। ब्रेक्स पे आ जाता है, ड्यूल चैनल एबीएस का सपोर्ट, फ्रंट ब्रेक्स आर ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड माई फ्रेंड। आपको नोज डाइव भी मिलती है आगे, वाह यार, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है फ्रंट ब्रेक्स। यूजली जो होती है अभी हर एक मोटरसाइकिल में फ्रंट ब्रेक स्ट्रॉन्ग ही आती है। और अगर मैं रेयर ब्रेक की बात करूँ तो सरप्राइजिंगली दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग यार, नॉट बैड। मैं यहाँ पे रोक नहीं सकता बिकॉज मैं हाईवे पे हूँ, बट अगर मैं फीडबैक की बात करूँ तो फीडबैक इज़ गुड इनफ। चलो यहाँ से हम लोग करेंगे एक छोटा सा यू टर्न, और मैं आपको बता दूंगा इसका टर्निंग रेडियस है कैसा। आई एम श्योर ज़्यादा ही होगा, मुझे चलाकर ही पता चल गया था। देखिए यहाँ से अपन टाइट टर्न लेने की कोशिश करते हैं। देखो ये इतना ज़्यादा टर्निंग रेडियस है, फिर भी बच जाता है, और भी बच जाता है। तो भाई टाइट स्पॉट वगैरह में से निकालने को आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या पटाखा छोड़ती है भाई यार, आई एम श्योर एक बार ये वार्म अप हो जाएगी अच्छे से, फिर आप इसको चलाओगे तो और भी पटाखे मारेगी। इट इज़ ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पर रोक के ना आपको इसकी एक्सेसरीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक हल्का सा छोटा सा स्पॉट मिला है, ये देखिए। आई विश ये थोड़े और टाइम के लिए मेरे पास होती ये मोटरसाइकिल, तो मैं आपको बताता। आपको साइड से इंजन कट ऑफ फीचर भी मिल जाता। सो ये देखिए एक्सेसरीज, देखिए आप इस मोटरसाइकिल में, वाओ ब्यूटीफुल। और इसके इंडिकेटर्स हैं ना हमेशा ऑन ही रहते हैं, जब आप इसको ब्लिंक करते हो ना तब जाके वो चमकते हैं, बाकी ऑलवेज ऑन ही रहेंगे। आप ये LED का सेटअप देखिए, वाइज़र देखिए, बड़ा सा वाइज़र है, ये कलर देख लीजिए, ये देखिए ये फॉग लैंप्स है इसके, प्रोजेक्टर LED है, प्रोजेक्टर LED, क्रोम एलिमेंट्स देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा क्रोम एलिमेंट्स यहाँ पे है। ये आपको इंजन क्रैश गार्ड मिल जाएगा, होंडा की ब्रांडिंग, एयर कूल्ड इंजन, CB350, होंडा टैंक पैड, क्रोम में एग्जॉस्ट,
और क्या चाहिए, ये देखिए पीछे आपको ये भी मिल जाता है लगेज रैक, तो आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और माउंट कर सकते हो। बैक रेस्ट मिल जाएगी, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। दिस इज़ दी बैक व्यू, सुपर्ब यार सुपर्ब। और ये सीट्स की क्वालिटी देखिए आप, आपको ना यहाँ पे हल्का सा वो एलिफेंट प्रिंट वाली सीट्स मिलती है, वाइट कलर की आपको पाइपिंग भी मिल जाती है। ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, ब्यूटीफुल, ठीक है। सो इसमें ये लगी हुई है एक्सेसरीज, छपरी स्पॉटेड। चलिए इसको चलाते, मतलब आपको ना कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका छोटा सा एक डिस्प्ले का ये भी दे दूँ वॉक अराउंड। आपको यहाँ पे एनालॉग मीटर मिलता है, गेम पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, ट्रिप मीटर मिल जाएगी, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो ना आप यहाँ से भी टॉगल कर सकते हो, जैसे कि रेंज, बैटरी वोल्टेज, टोटल ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, जो आप यहाँ से टर्न ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी आप इसको इकोनॉमिकल स्पीड में चलाते हो ना, यहाँ पे इको का सिंबल आता है, तो मतलब आपकी गाड़ी ना आपको ज़्यादा माइलेज दे रही है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी दो बटन दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी टॉगल कर सकते हो इस डिस्प्ले को, ठीक है। और जैसे मैं थ्रॉटल ओपन करता हूँ, देखिए वो चला गया, ठीक है। और इसको हम लोग फिफ्थ गियर में डाल के एकदम ही लोअर, अरे गाड़ी ग्लाइड कर रही है यार, मतलब मैं ना मुश्किल से, ये देखो स्प्लेंडर 20-30 की स्पीड पे चल रही है, तो मैं स्प्लेंडर की स्पीड पे चल रहा हूँ, गाड़ी नॉकिंग वगैरह नहीं हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा कड़ा फीचर है यार, मुझे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, वाह। और अगर मैं थ्रॉटल पुल करता हूँ, ऑब्वियसली बात है लोअर आरपीएम पे तो पावर बैंड पकाने को टाइम लगता है, बट गाड़ी बंद नहीं पड़ रही है यार, वाह। आई थिंक इसमें भी वो ग्लाइड वाली टेक्नोलॉजी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मज़ा आ गया। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको वायर्स एक्सपोज मिलते हैं, जो और मेरे हिसाब से और भी लुक को एनहेंस करते हैं। ओके गाइस, सो आई फील मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है ऑन द होंडा हाइनेस CB350 डिलक्स प्रो विद एक्सेसराइज्ड वर्जन, मतलब इतना लंबा नाम हो गया। रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भाई अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ रिफाइनमेंट्स की लेवल्स की, अगर मैं बात करूँ फिट एंड फिनिश की बात करूँ, सो आई थिंक ये जो क्रोम एलिमेंट्स है और जो फिट एंड फिनिश है मोटरसाइकिल का, डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रीमियमनेस ज़्यादा मिलता है। लुक के मामले में बात कर रहा हूँ, अगर मैं रिफाइनमेंट्स की बात करूँ, सो यस इसका इंजन ज़्यादा रिफाइंड है एज़ कम्पेयर टू द रॉयल एनफील्ड। अभी रॉयल एनफील्ड की जो नए इंजन है उसमें वाइब्रेशंस बहुत कम हो गए, रिफाइनमेंट लेवल बहुत बढ़ चुके हैं, बट ये एक स्टेप फर्दर है। जो भी है मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो वाली चीज़ आपको मिल जाती है। छोटा सा होंडा का लोगो भी यहाँ पे आपको मिलता है, क्या बात है। और अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूँ, डेफिनेटली दिस कॉस्ट लेस ये है। और यू नो अभी आप वो तो आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको रॉयल एनफील्ड पसंद है या फिर आप होंडा CB350 लेना चाहते हो, बट अगर आप ये लेने की सोच रहे हो तो आप यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट्स। में आपको और भी कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये खाकी कलर अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कलर है, जो हम सभी लोग जानते हैं कि बुलेट ने बहुत जल्द पहले ये कलर इंट्रोड्यूस कराया था, होंडा ने जो है अभी रिसेंटली ये इंट्रोड्यूस कराया, बट इसमें और भी ज़्यादा कलर्स आपको मिल जाते हैं। जो सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू ऑन द होंडा हाइनेस CB350 डीलक्स प्रो वेरिएंट। अगर आप लोगों के पास मेरे लिए और कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।